चैनल गैर सियासी तो नहीं है आपका? नहीं, गैर सियासी है। आपने नहीं, उसमें देखे है, आपने, मैंने देखा है कल। स्पीचेस हैं? नहीं, कह दो इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसमें मैं हूँ। ठीक, अच्छी यूनिवर्सिटी है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, पढ़ाने का माहौल भी बहुत अच्छा है। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि यंग फैकल्टी है और यंग है, हाईली एनर्जेटिक है, पाया नष्ट के किसी भी तरफ किसी भी जगह। थोड़ा सा ऊंचा बोले, आप एक माइक भी ले लें जी, अगली बार माइक काट देना। अच्छा, नष्ट को मैंने किसी भी स्नैरी में आप देख लें, स्टडी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, किसी भी जगह मैंने जो है नष्ट को बहुत अच्छा पाया है। मैं नष्ट से फुली सेटिस्फाइड हूँ और मैं अर्ज करूँगा हर यूथ को, हर बच्चे को, बच्ची को नष्ट में आए, अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से करें और इंशाल्लाह उनके लिए जो है अल्लाह ताला बहुत रास्ते बनाएगा। नष्ट के बारे में क्या व्यूज हैं आपकी? अंडर ग्रेजुएशन भी यहाँ से है तो नष्ट को आप जिंदगी में दो लोग ही बर्बाद होते हैं, एक वो जो मोहब्बत करते हैं और दूसरे वो जो नष्ट आते हैं। फैकल्टी है वो हार्ड वर्किंग है, टू बी ऑनेस्ट, और ये बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा अपना जो एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन सेम है, तो मुझे अपने आप को ग्रूम करने में बड़ा हेल्पफुल हुआ और काफ़ी कोऑपरेटिव है फैकल्टी। एज अ स्टूडेंट्स एक लाइक अ फैमिली है, सब लोग एक दूसरे का काफ़ी एहतराम रखते हैं और बाकी हंसी मजाक भी चलता रहता है। नष्ट जैसा सुना था वैसे ही है, जैसे मेरे भाई ने पहले कहा। और क्लास के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? क्लास तो आउट क्लास है, आउटस्टैंडिंग पीपल, स्पेशली आमिर जफर साहब, आपका फरुख अल्ताफ साहब। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हीरे, फरुख अल्ताफ, हीरा। उसमें ऐसी क्या चीज है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है? वो ब्लूम और ब्लास्ट है। इसमें ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, उसको किसी न किसी वजह से कोई परेशानी हो तो उसका मैं नहीं कह सकता जी। लेकिन हर बंदे की अपनी एक सोच है जी जी। कि वो उसको किस तरह वो हैंडल करता है सर अपने काम को। इंटरेस्टिंग था सब्जेक्ट में, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, क्या मसले मसाइल हैं ग्राउंड पर वो हमने सीखे। फ्यूचर जनरेशन को मैसेज, आमिर भाई दूसरा सवाल आप पूछ रहे थे, फ्यूचर जनरेशन को ये मैसेज है कि दिल लगा के मेहनत करें, अपने नॉलेज को अप्लाई करें, नॉलेज को इन डेप्थ समझे और इस तरह से समझे कि कल को आपने उसे अप्लाई करना है और उसे आपने अपने मुल्क को आगे चलाना है और अपनी लर्निंग को आगे लेके जाना है। ठीक है, तो फर्दर आमिर भाई कोई क्वेश्चंस? और आप कोई इंटरेस्टिंग चीज अगर शेयर करना चाहें? इंटरेस्टिंग तो आमिर भाई मास्टर्स में, बैचलर्स में जिस तरह हमारी दोस्तियां थी मास्टर्स में बन नहीं सकी, सब काम पे जाते हैं या कुछ लोग नए हैं इधर तो दोस्तियां नहीं बन सकी, बट आई बिलीव के इट वॉज गुड प्रोफेशनल लर्निंग। सिर्फ आप बातें बना सकते सच में खाना अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं आप? मैं क्या करती हूँ? अच्छा, CCU के फेलोज के बारे में आपका क्या मैसेज है? जी सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ भी आप इंटरेस्टिंग चीज बताएं कोई भी। आमिर भाई आप बहुत अच्छे हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग। शान, आपके नस के बारे में क्या व्यूज है? अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पर बैचलर्स में एडमिशन होने का तो ज्यादा खुश होता। अच्छा अच्छा, आमिर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टॉप लेवल का इनका कंटेंट है, प्लीज सब्सक्राइब। इतना भी नहीं है। उस्ताद की कदर करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इंसानों के घर में पैदा किया है, और 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। मेरी यही दुआ है आप सारों से। सकलेन भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।